लेकिन ना मैंने नहीं सोचा था इतने सारे भीड़ होंगे, इतने सारे लोग माँ के दर्शन के लिए यहाँ पे उपस्थित होंगे। माँ दंतेश्वरी मंदिर में स्प्रोम इन दंतेवड़ा में स्वागत है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बैगन, मैं अभी जस्ट सो के उठ रहा हूँ, देख सकते हो। और वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, मेरे पैर में बहुत दर्द कर रहा है इस कारण। तो आज आपका आप लोगों को आज दिखाऊंगा दंतेवड़ा के दंतेश्वरी माता को। अच्छा, मतलब आज नहीं दिखाऊंगा, कल हम लोग मंदिर घुसेंगे, आज वहाँ का सीन दिखाऊंगा, कैसा टाइप का है, किस टाइप का है, पूरा हर चीज दिखाऊंगा। तो हमारे साथी लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं, देख सकते हो सब लोग, मतलब इन लोग भी तक चुके हैं, शायद ऐसे लग रहा है, नहीं बता रहे हैं, लेकिन मैं पहले से तक गया हूँ और सो के अभी उठ रहा हूँ सुबह। चलिए हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, बिना स्किप किए देखते रहना, आज का ब्लॉग एकदम तगड़ा होने वाला है। सो गाइस, अभी ना हम लोग नहा धो के रेडी तैयार जो भी प्रेस हो गए हैं, और यहाँ पे जितने भी मतलब पैदल यात्रा वाले यहाँ पे बैठ चुके हैं, और इन लोग भी नहाए हैं लेकिन खाना नहीं खाए हैं। इन लोग रात भर चल चल के ना, इन लोग का भी पत्ते उड़ गया है उन लोग के पैर में। तो फिलहाल अभी आप लोगों को बता दूँ, वहाँ पे हम लोग मंदिर साइड जाएंगे और मंदिर साइड का क्या क्या मतलब नज़ारा है वो सब दिखाऊँगा। आप लोग हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, मिलते हैं थोड़े थोड़े देर बाद। A few moments later. लेकिन बहुत भीड़ है और इतना बहुत धूप, सूर्यदेव बहुत ही गुस्से में, शायद ऐसा लग रहा है धूप के कारण पूरा मैं ज्यादा काले होते जा रहा हूँ। और लोगों का भीड़ देखो गाइस, इतने सारे लोग माँ दंतेश्वरी के दर्शन के लिए आए हैं, समस्त लोग पधारे हैं। हम भी आशा करते हैं कि हम पर भी कृपा बरसाए माता रानी। यार बहुत ही डेकोरेशन किया गया है यार, लोगों का ना मतलब यहाँ पे हर जगह पुलिस लोग आए और इतने लोगों को मतलब कंट्रोल कर रहे हैं कि ताकि अच्छे से जाए, माता रानी का दर्शन करे। और हम लोग को आप लोगों को क्या ही बताऊँ यार, इतना धूप में मैं कुछ बोल नहीं सक रहा हूँ। ऐसा लग रहा है अगर मैं यहाँ पे ना 5-10 मिनट भी खड़े रह जाऊँ ना, बहुत ही मतलब चक्कर आया टाइप का लग रहा है। देखो आगे, लेकिन फिलहाल अभी उतना भीड़ नहीं है, सुबह सुबह जाए बहुत ही भीड़ हो सकते हैं। देख सकते हो आपका बाइक का पूरा हालत खराब टाइप का हो गया हूँ अभी। लेकिन यहाँ ना बस माता रानी का दरबार तक ही सीमित है, अंदर तक जाना पड़ेगा माता रानी का दर्शन हेतु करने के लिए। तो आप लोगों को अभी नहीं दिखाऊंगा, थोड़े देर में दिखाऊंगा, लेकिन थोड़े देर नहीं, आज हम लोग का कहना है कि आज हम लोग नहीं घुसेंगे मंदिर अंदर, लेकिन यहाँ का कुछ सीन देखने के लिए आया हूँ। इस प्रकार का भीड़ है, बोल के काफ़ी दिक्कतें आ रही होगी मेरे आवाज़ में, इतने सारे भीड़ देख के, देख सकते हो लोग यहाँ पे, और पुलिस वाले भैया लोग भी सब पायरे भैया, देख सकते हो। मतलब आज अभी ना उतना भीड़ नहीं हुआ है क्योंकि सूर्यदेव के तापमान के कारण, और सड़क भी बहुत गर्म है जो कि मैं पैर में अपना पाँव में पैर नहीं रख पा रहा हूँ जो रास्ते में। और फिलहाल गाइस, आप लोगों को अभी मैं माँ दंतेश्वरी का दर्शन नहीं करा सकता क्योंकि हम लोग आज नहीं घुसने वाले हैं, कल को हम लोग घुसेंगे अंदर और माता रानी का दर्शन करेंगे। आप लोग भी इसी के जरिए दर्शन कर लेना, और लोग को तो देख सकते हो भीड़ ना खतरनाक, पता ही बताऊँ यार, दिल ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना, इतने सारे लोग, अनगिनत लोग, अनजान लोग तो भूल ही जाएंगे मेरा फर्स्ट ईयर नहीं है, सेकंड ईयर आया हूँ। देख सकते हो यार, थोड़ा मोबाइल को एकदम कस के पकड़ना पड़ेगा, जानते हो कोई भी हाथ से उठा के भी ले जा सकते हैं, है ना। देखो यार, मतलब इतना डेकोरेशन किया गया है इस दंतेश्वरी मंदिर में, दंतेवड़ा जिला में, दंतेवड़ा जिला।
और सबसे पहले तो आप सभी को माँ दंतेश्वरी के इस पावन दरा में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर देख सकते हो लोग, और इतना अच्छा सजाया गया है ऊपर से देख सकते हो ऊपर। और लेकिन अंदर जो जितने भी लाइन पे है ना खड़े हैं ना उतना, लेकिन इन लोग को धूपों का सामना नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि इस जगह में नहीं है, वहाँ पे पूरा धूप बचाव के लिए बनाया गया है। इतना अच्छा अद्भुत दृश्य, लेकिन आप लोगों को ऐसे ऐसे चीज भी देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे कलाकृति द्वारा बनाया गया पूर्व जो लोगों ने। यार आप लोगों को तो उतना आज मतलब माता रानी का दर्शन के लिए मैं नहीं जाऊंगा अंदर, कल को हम लोग घुसने वाले हैं, तो वेट करना कल का ब्लॉग वीडियो आप लोगों को पहुंचाते रहूंगा। बट यार इतने दूर से हम लोग पैदल यात्रा आए हैं, तो आप लोग लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना और सब्सक्राइब के लिए जय कर देना, और कमेंट तो भूलना ही मत, कमेंट करना कि जय माता दी करके। और यहाँ पे उतना नॉर्मली वाला रास्ता है, इतने लोग नहीं जाते हैं यहाँ पे। और जितने भी पूजा करने हेतु निकले हैं ना गाइस, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे देख सकते हो, मतलब पूरा लोग यहाँ। यार उतना धूप के कारण उतना व्यू अच्छा नहीं लग रहा होगा लोकेशन, फिर भी केयर छोड़ो, बट इतने सारे लोग को देखना ऐसा लग रहा है पागल हो गए हो जैसा लग रहा है यार। लेकिन लोग क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब मैं सोच रहे होंगे, लेकिन मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है, मतलब इतने दूर से चलते चलते आया था ना इस कारण है। चलिए हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, मिलते हैं और थोड़े थोड़े देर बाद, एंड हमारे ब्लॉग को करते हैं अच्छा सा सेलिब्रिटी शॉट के साथ। सो गाइस, धूपों का सामना करते करते आपका भाई आ गया एक टेंट, छोटा सा लाड़ी वगैरह बनाया है, जो लाड़ी टाइप का वाला मतलब छांव में, जो कि यार बहुत धूप का सामना कर करके पूरा करिया पसीना निकल गया। और यहाँ पे लोगों का नजारा देख सकते हो गाइस, माता दंतेश्वरी का दर्शन हेतु लाइन पे खड़े हैं, लेकिन इन लोग का कितना टाइम लगेगा वो तो नहीं पता, लेकिन हम लोग उस वाले नजर को मद्देनजर करते हुए हमारा ब्लॉग करते हैं कंटिन्यू। और हम लोग नाइट में आएंगे, नहा धो के रेडी तैयार हो गए पूजा करने, और सुबह निकल जाएंगे अपने प्रॉम। तो चलिए हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना और इस प्रकार का नजारा देखते रहना। फिरते आ गए, लेकिन ना मैंने नहीं सोचा था इतने सारे भीड़ होंगे, इतने सारे लोग माँ के दर्शन के लिए यहाँ पे उपस्थित होंगे। माँ दंतेश्वरी मंदिर में स्ट्रॉम इन दंतेवड़ा में स्वागत है। हम लोग साइड साइड में चलते हैं पहले, और यहाँ पे देख सकते हो लगातार लोगों का भीड़ होता ही जा रहा है, लेकिन कम नहीं होते जा रहा है, कथा ही बताऊँ। सो ये चलिए हमारे ब्लॉग में बने रहना, क्योंकि धूप भी ज़्यादा है और आप लोगों को मिलते हैं थोड़े थोड़े देर बाद। चलिए गाइस हम लोग चलते हैं इधर, और माँ दंतेश्वरी मंदिर के कुछ दूरी के पास हमारा कैंप लगाया गया है, जो हमारे साथी लोग वहाँ पे सोए हैं और पसीना निकलना है बंद नहीं हो रहा है, और हमेशा पसीना ही निकल रहा है। तो ओके गाइस, आज का प्यार सब लोग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आज का प्यार सब लोग अच्छा लगे हैं, पहले एम्बुलेंस को जाने देते हैं गाइस, फिर से बोलेंगे। तो ओके गाइस, आज का प्यार सब लोग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल को नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। कल को एकदम तगड़ा वाला ब्लॉग लाऊंगा, आप लोग कल का ब्लॉग वेट करना। चलिए मिलते हैं।